अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, बहुत सारे बच्चों के एसएमएस पड़े हुए थे। देख रहा था कि एमपी के, उनमें से देखेंगे कि एमपी के बच्चों के कुछ ज्यादा ही सवाल उनके मन में आ रहे हैं, क्योंकि उनके सीएम साहब जो शिवराज सिंह साहब हैं, उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे भांजी भांजियों को ध्यान में रखते हुए हमारी मध्य प्रदेश सरकार पहली सरकार बनी, पहला राज्य बना जो एन आर ए के तहत जो परीक्षा करवाएगा उसी के आधार पर नौकरी दी जाएगी। तो देखिए, अभी मुख्यमंत्री साहब चुनावी प्रक्रिया में हैं, एक तरह से वो कह सकते हैं कि चुनाव की रोटी सेंकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नौकरी आने दीजिए, वैकेंसी आने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को बात करते रहेंगे आप लोगों से। और बात है आपकी तो बताता हूँ, लास्ट में पहले हम लोग आके देख लें कि एनआरए है क्या, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी आखिर है क्या, इस पर बात करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसे भी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दी है। देखिए, इसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए, एक शब्द को आप लोग गौर करिए। प्रमुख बिंदु देखें तो नई व्यवस्था के अनुसार सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी उम्मीदवार राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए के द्वारा आयोजित एक सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में केवल एक बार हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वे सामान्य योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी भी भर्ती एजेंसी में आवेदन कर पाएंगे। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक बहु एजेंसी निकाय होगी जिसके शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस पॉइंट को भी, इस लाइन को अच्छे से याद रख लीजिए कि क्या क्या शामिल रहेगा, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी, रेलवे, आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। देखिए, यहां भी आप देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया में, ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें, मैं इसलिए आपका फोकस इस पर केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर कुछ ज्यादा ही डाल रहा हूँ। इससे क्या हुआ कि एमपी एमपी या फिर बाकी राज्यों के जो भी स्टूडेंट हैं उनके मन में जो भी सवाल आएंगे उनका भी समाधान मिल जाएगा आपको लास्ट में। सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि सीईटी मुख्यतः तीन स्तर पर आयोजित की जाएगी, स्नातक उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण और मैट्रिक यानी कि 10वीं उत्तीर्ण। एसएससी, आरआरबी, आज बरसात हो रही है आपको आवाज आ रही है एडजस्ट करना, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस जैसी एजेंसियां यथावत बनी रहेगी। सामान्य योग्यता परीक्षा सीईटी के अंकों के स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती की अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए परीक्षा का आयोजन संबंधी एजेंसी एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस द्वारा किया जाएगा। इन तीन को अच्छे से याद रखिए, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस। देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों की को काफी लाभ भी प्राप्त होगा। अभी आप देखते थे कि एसएससी का कई जगह एग्जाम सेंटर नहीं होता था, आरआरबी का भी, तो इसका एग्जाम सेंटर आपका जो भी लोकल जिला होगा आपके जिले में दिया जाएगा। देश भर के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में मदद भी मिलेगी। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम तक घोषित होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। सामान्य योग्यता परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ मानक भी होगा, यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग पाठ्यक्रमों की तैयारी करते हैं। कहने का मतलब आप देखते थे कि एसएससी के लिए आप लोग अलग तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी के लिए अलग बात कर रहे हैं, आईबीपीएस के लिए अलग बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की कई नौकरियां थी जिनके लिए आप लोग अलग अलग तैयारी करते थे। अब क्या होगा कि एक कॉमन परीक्षा होगी, चाहे एसएससी की हो या आरआरबी की हो या आईबीपीएस की भी हो, तो क्या होगा इससे कि एक कॉमन परीक्षा होगी, आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक कॉमन सिलेबस भी रहेगा इसका, ठीक है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का अगर दायरे की हम बात करें
तो शुरुआत में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को की शॉर्ट लिस्ट करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा शुरुआत में उन परीक्षाओं के लिए सामान्यता योग्यता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो मुख्यतः कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC रेलवे भर्ती बोर्ड RRB इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS द्वारा संचालित किया जा रहा है। बाद में इस बहु एजेंसी निकाय के अंतर्गत कई अन्य परीक्षाओं को भी शामिल किया जा सकता है। अभी आपकी मुख्यतः तीन परीक्षाओं को ये याद रखिए, ये तीनों परीक्षाएं आपकी केंद्र सरकार करवाती थी। एक तरह से आप मानिए कि सेंट्रल की ये सभी वैकेंसी थी, ये राज्य की वैकेंसी नहीं है, एक बात ऐसे भी याद रखिए। आखिर इस राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी है उस पर भी बात कर लेता हूँ। वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता के समान शर्तों वाले विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है, जिसके कारण उम्मीदवारों को अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग शुल्क का भुगतान भी करना पड़ता है और साथ ही उम्मीदवारों को परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है। इससे उम्मीदवारों का पर आर्थिक बोझ काफी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा अलग अलग भर्ती परीक्षाएं उम्मीदवारों के साथ साथ परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एजेंसियों पर भी कार्य के बोझ को बढ़ा देती है, जिसमें बार बार होने वाला खर्च और सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियों का विज्ञापन किया जाता है, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं, यानी कि 2.5 करोड़ के करीब। एक बात और आपको बताऊं, इसकी मतलब सीधा स्टूडेंटों को भी फायदा होगा और सरकार को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि स्टूडेंट बार बार किसी अलग अलग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी, आपका कॉमन सिलेबस रहेगा, समझ रहे हैं आप लोग, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है। और परीक्षाओं के लिए आप अलग अलग फीस देते थे वो भी आप बचेंगे उससे भी, और सरकार भी एक केंद्र आप चुनिए कि समझ सकते हैं कि कहीं आपको परीक्षा सेंटर पर व्यवस्था कराई जाती है तो कितनी ध्यान रखा जाता है आपका, तो केंद्र सरकार का जो भी खर्च आता था उस पर भी लगाम लगेगा। इसके अगर महत्व की बात करें हम लोग तो सामान्य योग्यता परीक्षा CET के माध्यम से उम्मीदवारों के लिए कई परीक्षाओं में उपस्थित होने की परेशानी को दूर किया जा सकेगा, यानी कि अभी अलग अलग परीक्षाएं देते थे आप लोग लेकिन अब एक ही परीक्षा दी जाएगी आपकी। चूंकि परीक्षा केंद्र सभी जिलों में स्थापित किया जाएंगे, इससे दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस प्रकार भविष्य में केंद्र सरकार की नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा भी मिलेगा। और याद रखिए केंद्र सरकार की बात की जा रही है, ये राज्य की अभी इसमें कोई शामिल आपने देखा है तब से अभी तक राज्य का आपका कोई भी पॉइंट आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र की अवस्थिति से सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों तथा विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को भी अधिक लाभ होगा, क्योंकि अभी देखते हैं कि अपने जिले में अगर परीक्षा केंद्र होगा तो वहाँ जो भी महिलाएं होंगी वो भी आसानी से पेपर दे पाएंगी, क्योंकि अभी दूर दराज के इलाके में पड़ जाता है, एक जिले से दूसरे जिले में जाना आपके लिए भी मुश्किल रहता है। रोजगार के अवसर को लोगों तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे युवाओं की जिंदगी और आसान हो जाएगी। वर्तमान में उम्मीदवारों को बहु एजेंसियों द्वारा संचालित यानी कि एक से ज्यादा एजेंसी द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है। परीक्षा शुल्क को अतिरिक्त उम्मीदवारों को यात्रा रहने ठहरने और अन्य चीजों पर अतिरिक्त व्यय भी करना पड़ता है। सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कि CET जैसी एकल परीक्षा से काफी हद तक उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ का कम होगा, ये स्वाभाविक सी बात है, ये सही बात है बिल्कुल। सामान्य योग्यता परीक्षा CET अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगी, यह देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर को प्राप्त करने को सुविधाजनक भी बनाएगा। और सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1,517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है इसके लिए अलग से वित्त, और इस व्यय को 3 वर्षों की अवधि में खर्च किया जाएगा। इससे परीक्षा के प्रारूप में मानकीकरण स्थापित किया जा सकेगा और सामान्य योग्यता परीक्षा के माध्यम से परीक्षा आयोजन में विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले खर्चे में कमी आएगी। स्वाभाविक सी बात है जो अलग अलग से किया जाता था खर्च उसमें भी आपको कमी देखी जाएगी। एक अनुमान के अनुसार इसमें 91 से लगभग 600 करोड़ रुपए की बचत की जाएगी, कितना 600 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो ये है आपकी कहानी। अब मैं बताता हूँ MP वालों को, जो MP वाले बच्चे हैं वो
उनके दिमाग में सवाल आ रहा है, क्योंकि अभी देखा है कि सीएम साहब ने कहा है कि हमारा पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश जो इसका बच्चों को इस तरह के जो भी अंक आएंगे उसके आधार पर नौकरी देगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए उनका सवाल ये भी है कि एमपी जेके नहीं पूछा जाएगा, फिर और कोई वित्त रहेगा। तो अगर आपके सीएम साहब इस तरह का कदम उठाते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि पेपर कठिन आएगा, क्योंकि एसएससी का पेपर जानते हैं कि एसएससी का पेपर कितना हाई आता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपका हार्ड पेपर आएगा, और अभी आपका कोई अभी आप लोग जिस पैटर्न पर फॉलो कर रहे हैं उसी पैटर्न पर रहें, क्योंकि आप देखा जाएगा कि आगे बहुत कुछ बदलाव करना होगा। अभी इसमें केवल इतना बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की जो वैकेंसी है यानी कि सेंट्रल की जो वैकेंसी है उन्हीं को शामिल किया जाएगा, अभी पूरी सेंट्रल की पूरी नौकरियों को शामिल नहीं किया जाएगा, कुछ ही को, एसएससी, रेलवे या फिर आईबीपीएस की बात हो गई, समझ गए। तो राज्य सरकार के लिए अलग से या तो कुछ प्रावधान किया जाएगा या फिर कुछ और व्यवस्था की जाएगी। अभी आप लोग जिस पैटर्न पर चल रहे हैं, जिस पैटर्न से तैयारी कर रहे हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। आगे जो भी अपडेट होगा, अभी आप लोग इसलिए भी तुम्हारे शिवराज सिंह चौहान साहब हैं जो मामा साहब, वो इसलिए इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव है सामने। अभी आपने जेल पैरी का कुछ दिन पहले देखा था नोटिफिकेशन किस तरह से उन्होंने निकाला, उसमें कई गलतियां पाई गई। फिर भी मतलब आप एक बात तो समझ रहे होंगे कि मतलब अभी वो दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, वो रोटी मतलब वोट बैंक की रोटी सेंकने का काम किया जा रहा है उनके द्वारा। तो समझिए अभी और धैर्य रखिए, और आप लोग हड़बड़ाए या मत करिएगा, आप तुरंत परेशान होने लगते हैं कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, किस पैटर्न पर पड़े हम। आप लोग जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पर अभी बने रहिए, और आगे जो भी आपका देखिए जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो सिलेबस भी आपका दिए दिया जाता है उसी नोटिफिकेशन में आपको, तो तब आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से और बात कर लीजिए। लेकिन इतना क्लियर है कि अब आप अपना लेवल बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब वो परीक्षाओं में क्वेश्चन उस तरह के नहीं आएंगे अगर सेंट्रल के साथ जोड़ के देखा जाए तो, क्योंकि एसएससी का जीएस आप लोग देखते हैं, मैथ आप लोग देखते हैं, इंग्लिश आप लोग देखते हैं, रीजनिंग आप लोग देखते हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िए और आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा लेवल बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोग, जो भी अपडेट रहेगा बताता रहूंगा, ठीक है।